तुम लोगों के आने से मेरी ताकत जागरने को गई। देखना अब हम चारों मिलकर किस तरह दौलत कमाते हैं। ऊपर वाले ने एक ही चीज ऐसी बनाई है जिसे इंसान सबसे ज्यादा और सबसे जल्द कमाना चाहता है, और वो है दौलत। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलवाऊंगा। जय गए तेरे दोस्त? जी बाबा। यह है अब्दुल, जोगी और चरण। हम चारों बचपन के दोस्त हैं। इन्होंने बंबई में गवर्नमेंट के 20 करोड़ के हीरो की हेराफेरी की, लेकिन वहां के माफिया ने इन्हें धोखा दे दिया। इनकी जान के दुश्मन बन गए, और इसलिए मैंने इन्हें यहां बुला लिया बाबा। बॉम्बे का कमिश्नर जानकी दास कैसा है? मेरे बहुत अजीज दोस्त दीनदयाल का बेटा है वो। दीनदयाल बेचारा बेकसूर मारा गया। पाले? जी बाबा। बेटे, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब तुम्हें दे दिया। मेरा आशीर्वाद तुम चारों के साथ है। अब तुम इन तीनों को सब कुछ सिखाओ। जी बाबा। इन्हें पत्ते कहते हैं हम लोगों की जबान। बहुत बड़ा बिजनेस चलता है शहर में। वो कैसे? डुप्लीकेट बनाकर। लेकिन ये मिलते कहां से? ये बहुत बड़ा खेल है और इसमें कई बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। लेकिन इनको बनाते कैसे हैं? कार रेंटल। चंद पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यहाँ की कुर्सियों पे भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि चंद डॉलर के लिए हमें अंदर की सारी खबरें दे देते हैं। देसी है या गोरा? ठीक है।
योगी है, ये चरण है और ये है अब्दुल। इन लोगों ने रिजर्व बैंक से 20 करोड़ के डायमंड की चोरी की है और मैं मानता हूं कि हमारी पुलिस इनको पकड़ने में नाकामयाब रही है। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे देश के कुछ करप्ट लीडर्स की वजह से ये लोग हमारे देश से भागने में कामयाब रहे और हम कुछ ना कर सके, और ये तीनों इस वक्त कनाडा में। हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस मिशन के लिए एक जांबाज आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट किया है। सर, अर्जुन सिंह की रिपोर्टिंग। ये है मिस्टर अर्जुन, और हमें पूरी उम्मीद है कि अर्जुन उन तीनों को पकड़ने में कामयाब रहेगा। अच्छा, अब आप लोग जा सकते हो। अर्जुन, मैंने तुम्हारे से कुछ बात करी। सर, अर्जुन, ये खेल बहुत खतरे का है। हो सकता है कि वो लोग माफिया के साथ मिल गया, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने खुद अपना एक गैंग बना लिया। बहुत होशियारी और सावधानी से काम लेना होगा। हो सकता है इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो। सर, जिस देश की मिट्टी ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, क्या हमारी जान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और फिर मैं बेटा किसका हूं? कमिश्नर जानकी दास का। और ऐसे यही उम्मीद थी। हमने कनेडियन गवर्नमेंट से बात की है, जरूरत पड़ने पर वहां की पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। नहीं डैडी, माँ के दूध में इतनी ताकत है कि दुश्मनों का अकेला मुकाबला कर सकूं। लगता है आपने सनी देओल की बॉर्डर फिल्म नहीं देखी। देखी है। ये तुम्हारी और बहू के दोनों के पासपोर्ट और टिकट से। डैडी, मैं वहां पर रहने थोड़ी जा रहा हूँ, काम होती वापस आ जाऊंगा। पूजा जाकर क्या करेगी? पता नहीं कितना वक्त लग जाए, वो यहाँ अकेले रहकर क्या करेगी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाए, और ये हमारा फैसला है बस। वहां तुम एक बाबा से मिलना, वो तुम्हारे दादाजी के बहुत पुराने दोस्त हैं जी, और 50 साल से वहां रह रहे हैं, और मेरे दोस्त का बेटा भी वहां रहता है जी। वो तुम्हें एयरपोर्ट पर पिकअप करने आ जाएगा। जाना कब है? आज रात को 10 बजे की फ्लाइट। यस सर। Thank you.
खुशियां तुझसे है श्रृंगार मेरा। चंचल शोक नजारे फीके दूर हुआ जो प्यार मेरा। ओ जाने वाले फौजी रुक जा, खो जाएगा चलते चलते मेरे साजन, कट जाएगा जीवन मेरा आंसू पीते। जख्मी दिल हो जाएगा जीवन मेरा बह जाएगा, सजना नहीं जाना, सजना नहीं जाना, सजना नहीं जाना। मैं चला मैं फौजी बढ़ा, मेरा भारत प्यारा भारत सारे जग से निराला भारत, मेरा भारत प्यारा भारत सारे जग से निराला भारत। साथी जख्मी दिल हो जाएगा, तेरी जुदाई की धारा में सब कुछ मेरा बह जाएगा। दो दिन रुक जा मेरे फौजी, देश का कुछ ना बिगड़ेगा। ओ प्यार से मन को तू बहला दे, वरना हर पल धड़केगा। जख्मी दिल हो जाएगा जीवन मेरा बह जाएगा, सजना नहीं जाना, सजना नहीं जाना, सजना नहीं जाना।
घर तो बहुत बढ़िया लग रहा है बाहर से। सब बाबे की कृपा यार, चल आ जा। इंडियंस हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी साले एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करते। आवाज धीरे कर दो। तुमने कहीं देखा है ना? नहीं। अर्जुन, ड्रग डीलिंग, जाली नोट, पत्ते खुलेआम होते हैं यहाँ पे, खुलेआम। पत्ते? यू मीन जुआ? नहीं नहीं, पूजा प्लीज आवाज धीरे रखो। थैंक यू। जुआ नहीं, क्रेडिट कार्ड्स, डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स का बहुत बड़ा बिजनेस है यहां पर। लाखों डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं, लाखों डॉलर। और हां, चीनी लोग सबसे ज्यादा करते हैं यहां पर, अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं। लोगों का भी गैंग होगा यहाँ पर? यहाँ पर आदमी को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले दिनों अपने आदमी एक स्टोर को लूट के भाग रहे थे, पुलिस चेयर में एक आदमी मारा गया। अपने कितने ही लोग मारे गए यार। पूजा, कितनी बार मना करना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, कितनी बार? मन कहाँ से? देखते हम लोग बातें कर रहे हैं। जाओ अपने कमरे में। तो बोलती किसी बात यार, तू भाभी को क्यों डांटता है यार? अपनी बातें होती रहेंगी यार, तू भी। मुझे इन तीनों को पकड़ना है करता, वापस इंडिया लेके जाना है, एट एनी कॉस्ट। मैं बहुत गलत मिशन जा रहा हूं, बहुत खतरा है यार इसमें, भाभी तेरे साथ है। करता, इंसान किस लिए जीता है? मौज मस्ती, बीवी, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, बस ये जिंदगी होती है करता। जिस जमीन पर हम पैदा हुए, खेल कूद कर बड़े हुए, क्या उसके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है? तो ऐसे लोग होते ही कितने, इनको तो मसल कर फेंक देना चाहिए। यही लोग हमारे देश का नाम बदनाम करते हैं दूसरे देश में आकर। मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। ये देश मिट्टी फर्श, इन बातों को तुम रहने ही दो तो ज्यादा अच्छा है। हम निर्दोष लोगों ने कम गोलियां नहीं खाई, ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे को अच्छा या बुरा बनाते हैं। चल जाके सो जा यार, बाद में बात करेंगे। इंसान नहीं सुधरेगा। गुड नाइट। तुम तो नहीं, नहीं काम की बात नहीं, काम की बात नहीं, लेकिन एक बात बोलूं, तुम्हें नाराज होना भी नहीं आता। वो कैसे? वो ऐसे कि हाथ मत लगा मुझे। ओके ओके। वो ऐसे कि कोई भी इतनी रोमांटिक तरीके से जवाब नहीं देता। नहीं तो टीवी तोड़ दूं, घर का सामान फेंक दूं, दूसरे के घर में हैं हम। हाय हाय, कितनी हसीन लगती है जब ऐसा बोलती हो तुम। बस तुम नीचे सोगे, मैं ऊपर। ठीक है, तुम नीचे सो, मैं ऊपर सोता हूँ। नीचे चलो। हंसे मत करो, मुझे कुछ होता है। क्या होता है? पता हूँ। पता
बाबा मैं अर्जुन दीनदयाल का पोता आजा आजा बैठ मेरे पास बाबा डैडी ने कहा कि मैं आपसे जानकी कैसा है जानकी ठीक है और आप कैसे बाबा अरे पता नहीं कब आंखें बंद हो जाएं देखते देखते 82 साल बीत गए देखने में तो 100 साल से ऊपर लगता हूँ ना अभी तो आप जवान लगते हैं हाँ कैसे आना हुआ कनाडा हाँ यूं ही किसी की तलाश में और फिर कहते हैं ना बाबा जहाँ दाना पानी लिखा हो तकदीर वहीं ले जाती है मैं तो बहुत छोटा था जब दादाजी डैडी से आपकी बातें क्या करते थे अब तो जिंदगी का सफर और भी मुश्किल हो गया ये मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे तुम जानते हो ये कौन थे बहुत बड़े मुजरिम दुनिया का हर गैरकानूनी काम किया था इन्होंने सारी मिलाकर कम से कम 20-25 साल की जेल तो काटी है इन्होंने जानता हूं दादाजी मारे गए और ये यहां भाग गए इनके बीवी बच्चों को बहुत बेरहमी से मार डाला था करतार हमें इन पर नजर रखनी चाहिए शायद ही उन्हें जानते हो हाँ पाले भाई आपके साथ रह के रेंटल में किसको रहना था हाँ क्या है इस बार सिगरेट कितना फुल टेलर कितना दाम चार थोड़ा कमती नहीं पाले भाई यूएस नहीं पाले भाई कनेडियन चलेगा नहीं नहीं पाले भाई कन्ना को नहीं मैंने दिया शाम को मिलते हैं तेरा प्यार का है
सिर पे निशान हो जाए फिर खता बेकाबू दिल ये मेरा कुंदन सा तन ये तेरा सर्दी में ये चिंगारी क्यों ये जिस्म पिघलते छाई है कैसी ये दिन मन मन कैसे जलते हैं जल जाने दे आज जरा सुन ले दिल की आज सदा प्यार कहाँ है दिल पे निशा हो जाए फिर इकता बेकाबू दिल ये मेरा कुंदन सा तन ये तेरा बेकाबू दिल ये
नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सुबह से लेकर शाम तक उनकी तलाश में घूमता रहता हूं, लेकिन बचकर कहां जाएंगे। हाँ पूजा ठीक है, करतार भी। डैडी डैडी, माँ कैसी है? उनको बोलिएगा कि मैं बहुत याद करता हूं। नहीं नहीं ठीक है डैडी, ओके मैं फिर फोन करता हूं। इतना ही शौक था तो गुरुद्वारे में जाके रागे क्यों ना बन गए। अब्दुल तू भी मस्जिद नहीं जाएगा, साले बुरे काम भी करते हैं और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी जाते हो, कोई नहीं जाएगा आज से। बड़ा उस इंस्पेक्टर का जिसने हमें फोन पे सारी बातें बता दी और बंबई से हमें यह तस्वीर भेज दी। कुछ करना पड़ेगा उसके पहले कि यहाँ की पुलिस को कुछ बता दे, हमें कुछ करना पड़ेगा। पता लगाओ कहाँ रहता है ये। यार इतना मत सोच यार, अब कहीं भाग के नहीं जा सकते वो। कम से कम उनकी नींद तो हराम हो गई, उनको ये जरूर पता चल गया होगा कि उनके पीछे कोई है। अब वो गलतियां बार बार करेंगे। यार क्यों ना गुरुद्वारे जाके पता करें, शायद ये लोग गुरुद्वारे के आसपास रहते हों। तुम उसे कहते करतार, कल से गुरुद्वारे का पूरा एरिया छान मारो। क्यों ना पुलिस को बताया जाए, शायद वो लोग कुछ नहीं करता। मैं सबसे पहले हमें ये ढूंढना चाहिए कि वो लोग करते क्या है। 10 है, 1 का 10,000 का लिमिट है, रन देम ऑल। मेरा कितना? 50-50। पता तो बता।
वो लोग कार्ड लेके आए थे, मैंने रन किया था और पैसे लेके चले गए। थैंक यू। क्या हुआ पाले? किसका फोन था? क्या हुआ? सेठी ने कार्ड देने से मना कर दिया है। अर्जुन वहां पर क्या था? दुबे ने पत्ते लेने से मना कर दिया। खन्ना ने भी मना कर दिया। जय बाबा की। जय बाबा। तुम दादी बन गई। हाँ, कल ही पता चला है। हाँ माँ, सब ठीक है। पूजा भी ठीक है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ माँ, डैडी कहाँ है? जरा फोन देना उनको। डैडी, हाँ थैंक यू डैडी। जी हाँ, ठीक ठीक है ठीक है। पूजा बिल्कुल ठीक है। हाँ डैडी, हाँ उनका पता चल गया डैडी, वो लोग इसी शहर में। हाँ यहां भी वो गैर कानूनी काम करते हैं, किसी पाले नाम के आदमी के साथ। हाँ नहीं, मेरी नजर है उनके ऊपर। जी हाँ नहीं, जरूर जरूर डैडी, नहीं जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस की मदद जरूर लूंगा। ठीक है ठीक है डैडी, ठीक ओके ओके डैडी, थैंक यू डैडी, बाय। अरे वो दिन तो मुझे अब तक नहीं भूलते भाई। बहुत मौज मस्ती हुआ करती थी और तेरे दादा और मैं हर शाम बैठकर खाया पिया करते थे। मगर पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिली, सब बर्बाद हो गया। देशभक्त देश गद्दार हो गया। वो मारा गया, काश उसकी जगह मैं मारा गया होता। मैं बुरा था नहीं, बुरा बनना पड़ा, नहीं तो मैं भी मारा जाता। बेटे, कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है जो हर आदमी को पनाह देती है, चाहे वो कैसा भी हो। अच्छा बता,
तेरी तलाश का क्या हुआ? बाबा आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। मैं यहाँ चरण, अब्दुल और जोगी को ढूंढने आया हूँ। पिछले 30 साल से तो मैं इस अंधेरे से बाहर नहीं निकला। अब बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? काश मैं तेरी कुछ मदद कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि तू अपने मकसद में कामयाब जरूर होगा। पता नहीं क्या होगा, बस इतना जानता हूं एक सिपाही हूं और आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन कभी कभी डर लगता है बाबा, ये कामयाबी नहीं मिली तो जिस देश की मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेके घूम रहा हूं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। गाड़ी चला। एक सोते हुए आदमी पर वार किया था ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये तो चली कर रहा हरामजादे, छोड़ दे मुझे नहीं तो कुत्ते की मौत पड़ेगा। मैं कहता हूँ जाने दे मुझे, पाले तुझे छोड़ेगा नहीं। तू जानता नहीं पाले कौन है? क्या क्या है तुमने? तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो तुम? कुत्ते की मौत पड़ेगा मुझे, हाँ? और अपने आप को छोड़ते हो? अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो? बाप का नाम क्यों मर्जी चलाओगे? क्यों मर्जी चलाओगे? बाप का नाम समझ रखा? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? भारतीय सिपाही, समझे? पता नहीं मैं छुपोगे तो खून निकालूंगा। मुझे मौत से डराता है, मुझे मौत से डराता है। मौत से मैं ही तुम लोग डरोगे, तुम लोग डरोगे समझे? बस कर, इतना बस बस बड़ा मच जाएगा ये। बस कर, बस कर। मुझे डराता, मुझे डराता, मुझे डराता। बस अर्जुन, इन फौजियों को भी मरने का बड़ा शौक होता है। आओ पाले, कुछ परेशान लगते हो बेटे। हाँ बाबा, एक अर्जुन नाम का फौजी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसने जोगियों किडनैप कर रखा है। 7 दिन हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला। मैं क्या करूं बाबा? ये फौजी कौन है? कोई इंडियन है, इन लोगों के पीछे यहां आया हुआ है और उसने आके हमारा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब पत्ते चलना भी बंद हो गए हैं। मैं उसको मार के पुलिस को हमारे पीछे नहीं लगाना चाहता। अब तुम ये बताओ बाबा, मैं क्या करूं? बेटे धंधा धंधा होता है, कोई भी बुरा काम ज्यादा दिन छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। इससे पहले कि वो, उसकी कोई कमजोरी तो होगी? उसकी बीवी और एक दोस्त। इंसान की कमजोरी ही उसको तोड़ती है। समझदार हो, धंधे को अच्छी तरह समझते हो, उसकी कमजोरी को। समझ गया बाबा, समझ गया। पाले इधर बैठे। पापा जा। मुझे माफ करना दीनदयाल, मैं अपने धंधे से गद्दारी नहीं कर सकता। वो
बच्चे। दीन दयाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। काश काश उसकी जगह मैं मर गया होता, यही बोला था ना आपने? एक इंसान के इतने रूप होते हैं मुझे आज पता चला। आप उन्हें जानते थे और मुझे बताया तक नहीं, बड़ा धोखा। किसी ने सच कहा है, इस सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ता। मैंने कितने प्यार से आपको बाबा कहा था, आपसे तो अच्छे वो लोग हैं जो कम से कम दुश्मन बल्कि तो सामने खड़े हैं। आप क्या समझते हो, उनके साथ मिलकर आप मुझे मात दे दोगे? नहीं, आप जैसे 100 बाबा भी उनका साथ दें तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। आज के बाद तुम्हें पाले की मौत की खबर सुनाई देगी। अब तुम इसी अंधेरे में बाबा अंतपुरे का हो बुरा। चाहती हो ना? मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो तो मेरी एक बात मान लो। कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी आ जाऊंगा। तुम इंडिया चले जाओ पूजा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पूजा, यहां हमारे बच्चे की जान को खतरा है, तुम्हारी जान को भी खतरा है। मैं नहीं चाहता कि जिस जान ने भी इस दुनिया में सांस भी नहीं ली उसे कुछ हो जाए। प्लीज तुम इंडिया चले जाओ, प्लीज पूजा। नहीं अर्जुन, मैं उस बच्चे की जान बचाऊं जो जान तुमने दी है? मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूजा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती?
मैं अपने फर्ज की खातिर अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ, अपने बीवी बच्चों की नहीं। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो पता नहीं होता कि वापस लौटूंगा या नहीं। तुम समझती? मैं एक सिपाही की बीवी हूँ, जब लड़ाई होती है तो उसे पता होता है शायद उसका पति वापस ना लौटे, लेकिन फिर भी वो उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है, उसका साथ देती है। मैं इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। शादी से पहले मुझे पता था कि मेरी शादी एक फौजी के साथ हो रही है जिसकी कोई उम्र नहीं होती। अर्जुन, मैं जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। कुछ समझाने की कोशिश मत करना, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की। तुम यहां से होके वहां कोई गोली नहीं चलाएगा, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी अर्जुन, जो मौत के पिंजरे में खुद चल के आए हो। हिम्मत तूने अभी देखी कहां है पाले, वो मैं तुझे दिखाऊंगा एक दिन। मैं तुझसे सिर्फ इतना कहने आया हूं, ये तीनों इंडिया से भागे हुए मुजरिम है, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तू चाहे पूरे कनाडा को आग लगा दे, आई डोंट केयर, लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट के मुजरिम है और इनको पकड़ने का काम मुझे दिया गया है, इनको मेरे हवाले कर दे। जोगी कहाँ है? उसे छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। अब दो, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तुम्हें पता नहीं ये हमारे हिंदुस्तानी फौजी है, है ना? सलाम करो इन्हें भैया, देखो देखो मैं सलाम करता हूं। अर्जुन, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम इन्हें पकड़ने आए हो ना? हाँ, तुम इन लोगों को पकड़ने आए हो ना? पकड़ लो। लेकिन हाँ, ये तीनों मेरे साथ काम करते हैं और इनकी हिफाजत मैं करूंगा। जब मैं अपने पर आऊंगा ना तो तू अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा, तो इनकी क्या करेगा? ये जो तू उल्टे सीधे काम करता है ना, डुप्लीकेट कार्ड्स बनाना, जाली नोट बनाना, मैं सब जानता हूं। जब तक तू इनको मुझे नहीं देगा, मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं। ये बंदूक का तरीका मैं भी अपना सकता हूं, जिसका नमूना तू देख ही चुका है। मैंने किस तरह से जोगी को गायब कर दिया, तेरे फरिश्ते भी ढूंढ सकते पाले। इसलिए बात को ही खत्म कर और इनको मेरे हवाले कर दे। अर्जुन, अगर मुझे पागलपन का दर्द पड़ गया ना तो कयामत आ जाएगी। तुम जानते हो तुम्हारी बीवी की कोख में बच्चा पल रहा है, सब खत्म कर दूंगा। ए! कोई आगे नहीं बढ़ेगा कि तो मेरे साथ तुम्हारे लिए चित्र हो जाएंगे। मेरे बच्चे को मारेगा तू, मुझे ही मारेगा, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को मारेगा। अगर आज प्रताप तुमने मेरी बीवी की पत्नियों को ढाका भी देखा तो मां कसम तेरी पोटिया पोटिया कर दूंगा। अर्जुन, पता चला कि चरण डुप्लीकेट कार्ड की डील कर रहा है। कहाँ? पुराने मंदिर के पास। जल्दी महारानी, निकल यहां से, चल भागते, निकल। कॉर्ड बेटा, नीचे नहीं, आगे आगे।
जोगी, जोगी मैं चरण, जोगी, जोगी मैं चरण। चरण ही नहीं छोड़ेगा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, बहुत बड़ा मुझे। ये सब हम सबको मार देगा, बहुत खतरनाक है ये। ये पागल क्या कर रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? अपने आप को बहुत स्मार्ट का समझता है क्या? मुझे यहां से बचा लो, मुझे यहां से बचा लो चरण। मेरी तो जान खुद खतरे में पड़ गई है, लेकिन तू संभाल अपने आप को, थोड़ा सबर कर। हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं जोगी, हम कुछ सोचते हैं। चलो तुम बाहर गाड़ी में बैठो, करता रह जाओगे, मैं जाता हूँ। आराम से। Ah!
मेरी बीवी को किसी ने गोली मार दी। चाची बहुत परेशान है, बैठे बैठे रोने लग पड़ता है, हालत बहुत खराब कर ली है। लो अर्जुन आ गया, तुसी आपे ही गल कर लो। तू कथना चाची से बात करनी है, कर ले। हेलो। हाँ चाची, चाची अगर आप मेरी बच्ची को कुछ दिन अपने पास रख लेंगी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ चाची, इस दो दिन की बच्ची को आदमी से ज्यादा एक औरत की गोद की जरूरत है। हाँ चाची, बड़ी मेहरबानी, बड़ी Thank you.
तेरे दिल भी किया है तेरे नाम पूरी गली गली में हुए हैं बदनाम पूरी बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम वो बंद पे आ दरवाजा नहीं तू खिड़की पे आ जा फिर तिखे ने नशीले नहीं तू खिड़की पे आ जा बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम नी मैं चोरी चोरी तेरे नल नैन लड़ाए नी मैं चोरी चोरी तेरे नल नैन लड़ाए नी नैन लड़ाए नी तू छड़ के न जाए नी मैं चोरी चोरी तेरे नल नैन लड़ाए रंग गोरा गुलाबी तेरे गाल कुड़ी तेरी चोटी के लंबे लंबे बाल कुड़ी ओ आजा पंगड़े में देखूं तेरी चाल कुड़ी बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम बंद पे दरवाजा नी तू खिड़की पे आ जा तेरे तिखे नैन नशीले नी तू खिड़की पे आ जा बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम किस हाल में होंगे मेरे दोस्त ही नहीं मेरे भाई की तरह हैं अब्दुल वो सिर्फ तुम्हारे दोस्त नहीं मेरे भी दोस्त हैं और तुम लोगों को हिंदुस्तान से मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि कोई भी तुम लोगों को उठा के यहां से ले जाए तो फिर कुछ करते क्यों नहीं अगर तुम नहीं कुछ कर सकते तो मुझे बोलो मैं उसे मारता रहता हूं अब्दुल तुमने बात पी ली है पाले सब ठीक हो जाएगा उन्हें बचा ले सब ठीक हो जाएगा तू चल मेरे साथ बचा ले पाल ले चल चल मैं उसको मार दूँ बहुत पी लिया तूने तू चल मेरे साथ मार चल सो
सब खत्म हो गया करतार, सब। कभी कभी सोचता हूँ वापस इंडिया चला जाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि जब सब कुछ गवाही दिया तो क्यों ना जिस मकसद के लिए मैं आया वो पूरा करके जाऊं। होनी का कोई नहीं डाल सकता अर्जुन। माँ बार बार पूछती है कि बहू कैसी है, बच्चा कब होने वाला है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं। और उधर डैडी तीनों का क्या चल रहा है, कहां तक बात पहुंची। शायद माँ से झूठ बोलते बड़ा दिल दुखा मेरा, बहुत दिल दुखा। सब ठीक होगा अर्जुन, सब ठीक होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब ठीक होगा। बस अब अब्दुल की बारी है। कुछ दिनों से मुझे बहुत खांसी हो रही है।
अब तुम ये खुलेआम घूमना फिरना बंद कर दो और थोड़े दिनों के लिए हमारा धंधा भी बंद कर दो। ये अर्जुन ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। जल्द से जल्द अर्जुन को मारना होगा। अब्दुल, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जब तक हमें चरण और जोगी का पता नहीं चल जाता, हम अर्जुन का कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं कहां पाताल में छुपा रखा है, कहीं अपनी बीवी का बदला लेने के लिए उसने उन्हें मार न दिया हो। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता है और वो तुम सबको जिंदा इंडिया ले जाना चाहता है। पाले, उन्हें ढूंढना होगा। आखिर वो हमारे दोस्त हैं, ना जाने वो उनके साथ क्या सुलूक कर रहा होगा। अपने फर्ज की खातिर मैं अपनी बीवी की मौत सह गया। जी में तो आता है तुम लोग की पोटियां, लेकिन इसमें तुम्हारे और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? तुम मुझे पता क्यों जीते थे? अब्दुल और पाले कहाँ मिलेंगे? पिछले कई दिन से तो हम तुम्हारे यहाँ हैं, हमें क्या पता पाले कहाँ हैं? अपने सारे अड्डों का पता दे दो। वो हम नहीं देंगे। कम से कम मार खाने से तो बच जाओगे। बेशक तुम्हें जान से मार दे अर्जुन, हम पता नहीं देंगे। बताओगे? पता तो तुम बताओगे, आज नहीं तो कल। कब तक मार सोगे? कब तक मार सोगे? Thank you.
संग है तेरी परछाइयां है जाने जा दिन में संग है तेरी परछाइयां है जाने जा दिल तेरा का हो लगा के तेरी चाहत के निशान रात आती है तो साए भी चले आते हैं रात आती है तो साए भी चले आते हैं रात दिन तेरी जुदाई दिल में बस तेरी याद के सन्नाटे हैं तेरे बिन जैसे जहर पीते हैं जी रहे हैं तेरे बिन जैसे जहर पीते हैं तेरी यादों के सारे ही तो हम जी कितने वीराने हैं जो दिल में सिमट आते हैं कितने वीराने हैं जो दिल में सिमट आते हैं रात दिन तेरी जुदाई में जो तड़पाते दिल में बस तेरी याद के सन्नाटे हैं तब तलक जिंदा रहेंगे तेरा हम साथ लिए कब तक जिंदा रहेंगे तेरा हम साथ लिए दर्द के दिन को लिए हम की घनी रात लिए रोते हुए जीवन से भी घबराते हैं अपने रोते हुए जीवन से भी घबराते हैं रात दिन तेरी जुदाई में जो तड़पाते यार कब की फ्लाइट है मेरे यार कब की फ्लाइट है यार कब की फ्लाइट है भाई संडे शाम 6 बजे बता मैं तुझे बहुत परेशान किया ना ऐसी बात मत कर अर्जुन यार दिल को चोट लगती है यार तेरा साथ देकर मैंने भी कुछ पुण्य कमा लिया मगर अफसोस अफसोस काम पूरा ना हो सका
पता नहीं क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगा। बड़ी उम्मीद के साथ आया था अपना फर्ज निभाने। बहुत बुरी है ये कंट्री, बहुत बुरी। यहां कोई किसी का नहीं, सब अकेले हैं। बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आते हैं। बड़े बदनसीब होते वो लोग। मुझे भी साथ ले चल यार, तेरे साथ बहुत दिल लग गया था, तुझे बहुत मिस करूंगा यार, बहुत मिस करूंगा। नहीं करतार, मैं खुद ही बहुत अकेला पड़ गया हूं। पता नहीं पूजा के बिना सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैंने सोच लिया है अपनी बेटी के सारे, अपनी बेटी के सारे सारी जिंदगी गुजारूंगा। हाँ, तू कोई लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेता? यहाँ कोई लड़की नहीं देखी? नहीं यार, मैं पंजाब जाके शादी करूंगा यार। यार तू भी क्यों नहीं रह जाता यहाँ पे यार? दोनों भाई मिलके काम करें। नहीं करता। इन 3-4 महीनों में मैंने क्या पाया क्या खोया सब तेरे सामने है। कितने लोगों के घर तू लेकर गया मुझे, कितनों से मिलवाया, कुछ अच्छा नहीं लगा। स्पेशली यहाँ के बच्चे बहुत स्पॉइल्ड है। वो सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, क्लब्स में जाना, क्या गलत काम नहीं करते वो लोग? हम कनेडियन कभी नहीं बन सकते करतार, कभी नहीं। हाँ, कर सकते हैं तो कनेडियन बनने का ढोंग कर सकते हैं, बस अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर सकते हैं। मैं अपनी बच्ची को इस माहौल में नहीं पाल सकता, कभी नहीं। मैं अपनी बेटी को लेकर इंडिया जाना चाहता हूँ। हेलो पाले, तू बस एक बार तो मुझे अपना पता दे दे। कसम से तेरा अगला पिछला सारा हिसाब कर दूंगा सारा। अर्जुन, मुझे चरण और चौबी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। अंजाम तो तू देखेगा पाले, तू बहुत बुरी मौत बनेगा तू पाले, बहुत बुरी मौत। इससे पहले तू एक भी कदम उठाए मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हाँ, खत्म कर दूंगा पाले। हंस ले और हंस पाले, और जोर से हंस। वो कहते हैं ना, इंसान हंसते हंसते मरना चाहता है। ये तेरी आखिरी हंसी है। हाँ, ये तेरी आखिरी हंसी है। हंस और जोर से हंस। जरा ध्यान से हंस पाले, कहीं तेरा दम ना निकल जाए। इंतजार कर अपनी मौत का। हाँ, इंतजार कर। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا Thank you.
चले गए। लगता है ओके वाले का बुलाव मुझे भी आ गया। नहीं पाले, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत प्यार करते हो मुझे? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, मैंने तुम्हारा हमेशा ही साथ दिया है। मेरे साथ चलोगे? चलोगे मेरे साथ? पाले, पाले नहीं। चलो पाले, मुझे छोड़ दो। चलो मेरे साथ। नहीं पाले। चलो मेरे साथ। नहीं पाले। चलो मेरे साथ। सजा ऐसे ही मिल रही है। देखो, मैं तो ऐसे ही टीवी से मर रहा हूं। माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हैं? तुझे माफ कर दूं? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू बहुत बुरी बात मरेगा। तुझे माफ कर दूं? मेरी देवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लोगों ने उसे मार डाला। तो फोन पे क्या बोला था? क्या बोला था फोन पे? मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। मार मार मार, आराम जाते मार। मुझे मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा है? मारेगा कड़वी है साली। चलो जिंदगी में पहली बार पी तो इतने एक इंसान के साथ। कभी इंडिया आना तो सीधा मेरे पास आना। बहुत एहसान किया तूने मुझ पर। ऐसा मत कह यार अर्जुन। डैडी तुझसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। मैं भी कल इस शहर को छोड़ के जा रहा हूँ यार। कहाँ? वैंकूवर। अच्छा कर रहा है कतार। वैसे भी ये शहर तेरे जैसे नेक लोगों के रहने के लिए नहीं है। अच्छा कर रहे। जल्दी तैयार हो जा, 4 घंटे के बाद तेरी फ्लाइट है। बेटी को ले गया तू। करतार जल्दी आना, वक्त बहुत कम है। नजदीकी बनी है।
तुम हो एक बार तुम आओ जरा इन पलकों में बस तुम हो तुम ही हो तुम ही जानम तो सदियों का पास लाया मेरे तुमको प्यार हुआ जब जाना इन बाहों में लेकर दिल की हर धड़कन में तुम हो मुझे माफ करना चाहिए।
का बेटा नहीं एक मुजरिम आ रहा है, मुझे मौत